वेलकम फ्रेंड्स, फिर से हम आज की वीडियो में इकाई अंक पर आधारित प्रश्न का अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था और भी हमारा जो सवाल कुछ बाकी है उसका देखेंगे आज। तो आपके सामने तीन सवाल लिखा है। पहला है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनखल फल में इकाई अंक क्या होगा? सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में, तो पहले अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, कहां से शुरू होता है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कि स्वयं से भाग लगे और केवल एक से भाग लगे। जैसे हो गया आपका दो, दो में केवल दो से लगेगा और एक से लगेगा। तीन, पांच, सात, नौ नहीं होगा आपका, क्योंकि नौ में तीन से भी लग जाता है। ग्यारह हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, इस तरह से। तो कह रहा है सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में, तो कुछ अभाज्य संख्या जब आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए हम कुछ लिखते हैं, दो, हाँ गुणनफल कह रहा है, तो दो गुने तीन, पांच, अब आपको पता चल गया होगा आंसर क्या आएगा, है ना। और आप लिखिएगा तो सात, फिर नौ नहीं होगा तो ग्यारह, ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। तो देखिए कह रहा है गुणनफल में इकाई अंक, जैसे ही आप इतना ही किया है ना, दो और पांच, तो क्या आ रहा है, दो पंचे दस, जीरो। जैसे ही आपको कहीं पर भी गुणा में क्या आ जाए, दो और पांच आ जाए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा इकाई अंक। यहां हमको इसको करने का जरूरत नहीं है कि दो तीन छह, छह पंचे दस, बस दो पंचे दस। एक बार यदि जीरो आ गया तो हमेशा यही रहेगा हमारा इकाई अंक, क्या, जीरो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्या कहा हमने, सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक, तो अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा, दो तीन पांच सात ग्यारह, इस तरह से। तो दो और जब जैसे ही पांच आ गया, गुना करेंगे तो क्या होगा, इकाई पर जीरो हो जाएगा, और गुना करने की हमको आवश्यकता नहीं है। आप गुना करते जाइएगा तो जीरो तो रह जाएगा इकाई पर। जैसे दूसरा सवाल है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, यहाँ पे था केवल अभाज्य, यहाँ है विषम अभाज्य। तो देखिए इसमें जो अभाज्य संख्या होता है पहला वाला, वो क्या हमारा दो होता है, दो तो हमारा सम संख्या है, तो यहां पर हमारा अभाज्य कहां से शुरू होगा, तीन, क्योंकि विषम अभाज्य का है ना, पांच, सात, ग्यारह, इस तरह से हमारा अभाज्य संख्या जो है आगे चलता रहेगा। जब भी आप इसको गुना कीजिएगा तो देखिए क्या चीज कॉमन रहता है, तीन पचे पंद्रह का, पांच इकाई अंक, पांच सते पैंतीस का, पांच इकाई अंक, ग्यारह पचे पचपन का, पांच इकाई अंक, पांच तिया पंद्रह का, पांच, हमेशा जो है आपका क्या होगा इसमें, पांच। तो अभी यदि आगे से सवाल आए सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइव, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, एक होता है देखिए प्राकृतिक संख्या, है ना, प्राकृतिक संख्या हम किसको कहेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी एक दो तीन यहां से शुरू होगा तो, है ना। और आपका पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, जीरो से जो शुरू होगा ना, जीरो एक दो तीन चार ऐसे करके, उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। तो प्रथम 100 यदि प्राकृतिक संख्या होता तब तो एक से 100 तक होता, पूर्ण संख्या है प्रथम 100, तो हमारा कहां से शुरू होगा, जीरो से होगा, जीरो एक दो तीन इस तरह करके कहां तक चला जाएगा, 99 तक चला जाएगा। अब आप कहिएगा 100 है तो यहां 99 क्यों गया, 99 या एगो जीरो हुआ ना 100, है ना। तो प्राकृतिक संख्या होता तब तो हम एक दो तीन से लेकर 100 तक लिखते, और हमारा पूर्ण संख्या है तो हम यहाँ 0 से लेकर 99 तक ही हमारा कितना संख्या हो गया, 100 संख्या हो गया। अब कहता है इसके योग का इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए कभी भी यदि आपको लगातार संख्या दिया रहे और उसका योग पूछे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है या जो शॉर्टकट नियम है बनाने का, उसके लिए क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बटे दो, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। लगातार संख्याओं का योग निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला जो है इसका यूज कर लेते हैं। एन का मतलब यहां पर क्या होता है, लास्ट टर्म, ये जो 99 है ना, ये तो करिए एन यानी 99 गुने एन प्लस वन यानी 99 जोड़ कितना, एक, कितना देगा 100, और बटे में कितना कर देंगे, दो। अब आप कर दीजिए इसको, कितना देगा, 50 × 100, है ना। तो देखिए इकाई अंक आपको पूछा गया है ना, इकाई अंक, इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, पहला जीरो इसमें लगा तो जीरो हो जाएगा, आगे हम गुना नहीं करेंगे, बस हो गया हमारा क्या, जीरो। इसे आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम जो है आपका सवाल ऊपर एक चेंज करते हैं, आपको बनाने के लिए देते हैं, इसी में से कोई सवाल है जो आपको बनाना है।
आज सारा सवाल हमारा अलग अलग होगा, है ना। चलिए यहां पर हम आपका चौथा नंबर सवाल बदल देते हैं। सवाल है आपका, प्रथम 105 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, बनाकर बताइए जरा। सेम ये तीन नंबर वाले नियम से बनेगा आपका चौथा नंबर सवाल, है ना। सेम है, 100 है यहां, 150 है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी इनका लाभ मिल सकेगा। चलिए करते हैं यहां पर, यहां भी है आपका, देखिए प्रथम 150 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण का मतलब वहां कहां से शुरू करेंगे, जीरो से। तो क्या जाएगा, जीरो एक दो तीन चार पांच, इस तरह करते करते कहां तक चला जाएगा। यदि 150 प्राकृतिक रहता तब तो 1 से 150 तक, लेकिन 0 से शुरू किया तो 1 कम, यानी कितना, 149 तक। अब आप लगा दीजिए ये वाला फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, तो n हमारा कितना, लास्ट टर्म कितना, 149। तो क्या हो जाएगा, 149 गुने एन प्लस 1 यानी 150 बटे में कितना, 2। कितना बार में कटेगा, 75 दुनी होता है 150। आप यदि गुना कीजिएगा तो इकाई से ना मतलब है केवल, तो 9 पच्चे 45 का कितना, 5, बस हो गया। अब आगे करने का हमको जरूरत नहीं है, यही पे हमारा आंसर आ गया 5। चलिए अब हम नीचे जो नेक्स्ट चीज समझते हैं, फैक्टोरियल समझते हैं क्या होता है, उस पर आधारित इकाई अंक में आपका सवाल होता है, है ना। ये आपने लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, उसको कैसे डिनोट करते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमें लिखना हो एक का फैक्टोरियल, तो हम इसे ऐसे लिखते हैं एक का फैक्टोरियल, या हम ऐसे लिखते हैं एक का फैक्टोरियल, ऐसे करके। जैसे दो का फैक्टोरियल लिखना हो तो फैक्टोरियल ऑफ टू इस तरह से, या दो का फैक्टोरियल इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तीन का फैक्टोरियल लिखना हो तो तीन का फैक्टोरियल, या तीन का फैक्टोरियल इस तरह से लिखते हैं। चार का फैक्टोरियल लिखना हो इस तरह से, या चार का फैक्टोरियल ऐसे, यानी सिंबल केवल हम कह रहे हैं बदल जाता है ना, ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे। पांच का फैक्टोरियल करना हो तो इस तरह से, या पांच का फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसको अभी पहले समझते हैं। देखिए एक का फैक्टोरियल का मतलब होता है एक तो एक ही है, बस इसमें कुछ नहीं है, एक है। दो के फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, दो को आप लास्ट फिर उसके सबसे कम अंक तक गुना कीजिए, यानी दो है ना, तो पहले लिखिए दो, दो के बाद इससे कम एक, बस यहीं पे खत्म हो गया, यानी कितना आ गया, दो। यदि दो का फैक्टोरियल पूछा जाए तो दो, एक का फैक्टोरियल एक। तीन का फैक्टोरियल करते हैं कितना आएगा, तो क्या करना है आपको, तीन, तीन से कम दो, दो से कम एक, यानी तीन से लेके एक तक चला जाना है। जिसका फैक्टोरियल पूछेगा उसे हम कहां तक लेके चला जाएंगे गुना में, एक तक लेके चले जाएंगे, तो तीन दोनों कितना आ जाएगा, छह हो जाएगा। तो ये सब में देखिए आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, एक के फैक्टोरियल में इकाई अंक एक, दो के फैक्टोरियल में इकाई अंक दो, तीन के फैक्टोरियल में इकाई अंक छह। अब करते हैं चार के फैक्टोरियल में क्या आता है, तो चार
गुने तीन गुने दो गुना एक, तो कितना देगा, चार तिया बारह का दो और दो दुनी चार, यानी चार के फैक्टोरियल में इकाई अंक हमारा क्या आएगा, चार आएगा। पांच का फैक्टोरियल में करिए तो पांच गुने चार गुने तीन गुना दो गुना एक, तो कीजिए पांच चौके बीस। अब देखिए जैसे ही जीरो आ गया तो आगे आपको गुना करने का जरूरत नहीं है, हमारा फैक्टोरियल पांच के फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके आगे का जो भी फैक्टोरियल होगा सब में इकाई अंक जीरो आएगा, कहिए कैसे, छह का करेंगे तो छह में भी क्या आएगा, छह गुना पांच गुना चार, है ना, तो छह गुना पांच, जैसे जब भी पांच दो आ जाए तो क्या होता है, जीरो हो जाता है ना, या दो के गुणज में कोई आ जाएगा पांच के साथ तो जीरो हो जाएगा इकाई अंक पर, यानी चार तक आपका कुछ ना कुछ फैक्टोरियल आएगा, चार के आगे यानी पांच से लेकर ऊपर जितना भी संख्या आप लेंगे वो सब का फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होगा, जीरो होगा। जैसे देखिए हम छह का करके देखते हैं, छह का फैक्टोरियल छह का ऐसे लिखेंगे या छह का फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे, है ना, छह के फैक्टोरियल में भी आप कीजिएगा तो देखिए छह गुना पांच आ गया। देखिए अब हम आगे नहीं भी लिखते ना तो हमारा काम हो जाता है, लेकिन चलिए फैक्टोरियल निकालते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है, छह पंचे कितना हो गया, तीस, तीस में इकाई अंक कितना, जीरो। तो जीरो जैसे ही आ जाए तो आगे आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब साफ है इससे आगे का जब भी आप चार के आगे का जब भी फैक्टोरियल निकालिएगा तो इकाई अंक हमारा हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। इसको आप लिख लीजिए, इसी पर आधारित हमारा आगे सवाल होगा। एक का एक दो का दो तीन का छह, केवल इसमें देखिए डबल हो गया है, बाकी चार में क्या आ गया, चार, सब में सेम टू सेम, एक में एक दो में दो तीन में छह चार में चार, बाकी चार के आगे का जीरो। तो ये आप ध्यान में भी रख सकते हैं, तब आपको इसको बार बार करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप वहां पे आंसर बना देंगे। ये आप लिखिए, इस पे हम फिर आपको सवाल देते हैं। चार के बाद के आगे में सभी का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आएगा, जीरो, यानी पांच से लेकर एक करोड़ का कीजिए आप, या सौ का कीजिए या पांच सौ का कीजिए, सभी का फैक्टोरियल क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। चलिए फैक्टोरियल से ही संबंधित आपका छोटा सा सवाल है, पहले यहाँ पर पांच नंबर में बताइएगा जरा क्या होगा। फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। सवाल है आपका जो एक का फैक्टोरियल जोड़ दो का फैक्टोरियल जोड़ तीन का फैक्टोरियल जोड़ चार का फैक्टोरियल जोड़, इस तरह से आपका सीरियल है कहां तक, जोड़ दस के फैक्टोरियल तक, है ना, यहां तक मैं कह रहा है इकाई अंक आपका क्या होगा। मैं इकाई का अंक क्या होगा बनाइए जरा, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए एक का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, एक होता है, लिख दीजिए। दो का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, दो होगा। तीन के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आएगा, छह आएगा। चार के फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना आएगा, चार आएगा। आप ध्यान में रखिए केवल तीन का डबल हो रहा है, बाकी का वही है ना। लेकिन जैसे ही हमारा पांच से ऊपर आ जाएगा तो वो सबका फैक्टोरियल सब में क्या आएगा, जीरो। तो हम कितना बार जीरो लिखें, एक बार लिख देते हैं तो समझ जाएंगे ना। पांच का फैक्टोरियल जीरो, छह का फैक्टोरियल जीरो, सात का फैक्टोरियल जीरो, आठ का, नौ का, दस का, सबका फैक्टोरियल कितना आएगा, आगे जीरो आएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, इकाई अंक पता चल जाएगा। तो चार छह दस और दस दो बारह एक तेरह, यानी इकाई अंक हमारा यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, है ना।
चलिए इसे हम मिटा देते हैं, आपको आगे हम सवाल देते हैं। चलिए इसी में सेम सवाल है नंबर सिक्स में आपका। देखिए फैक्टोरियल हम इस तरह से भी लिख देते हैं, कहीं पर आएगा तो आपको ध्यान मिलेगा। एक का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल, जोड़ तीन का फैक्टोरियल, जोड़ चार का फैक्टोरियल, जोड़ पांच का फैक्टोरियल, जोड़ इस तरह करते 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 आपका दिया गया है 99 का फैक्टोरियल, है ना, में इकाई का अंक क्या होगा, बनाइए जरा आप लोग। चलिए आ रहा होगा आंसर ना, देखिए यहाँ पे अभी तो हमने किया था, बताया भी था, चार तक में ही आपका फैक्टोरियल आता है, बाकी पांच से ऊपर और पांच का फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए एक का फैक्टोरियल का इकाई अंक एक, दो का फैक्टोरियल में इकाई अंक दो, तीन में बताएं केवल डबल हो जाता है, चार का फैक्टोरियल चार, बाकी पांच छह सात आगे 99 तक में सबके फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या आएगा, जीरो आएगा, बस हो गया। इसको आप जोड़िएगा तो फिर से यही वाला ना बात आ गया, तो कितना 13 आएगा, तो 13 का कितना है इकाई है 3, ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल भी आपका फैक्टोरियल वाला ही, लेकिन उसमें क्या है पावर में फैक्टोरियल है ना। तो देखिए हम बताते हैं आपको, नेक्स्ट सवाल पहले लिखते हैं, बनाकर देखिए और फिर हम उसको बना देंगे। चलिए सात नंबर सवाल है आपका, है ना, 318 और फैक्टोरियल है 82, गुना है ना 117 का फैक्टर, 117 पर पावर है फैक्टोरियल में 63, फिर है गुना 316 है, 316 पावर में जो फैक्टोरियल है 58 है, में इकाई का अंक क्या होगा, कोशिश करके देखिए फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पर सबके पावर में क्या है फैक्टोरियल जो है वो पांच से अधिक है ना, सबके पावर में जो फैक्टोरियल दिया है यहाँ पर वो पांच और पांच से अधिक है, सब में पांच से अधिक है, तो जब पांच से अधिक होता है तो हमने क्या कहा था इकाई अंक पे क्या आ रहा है जीरो, हमने किया भी था पीछे, है ना। तो जब जीरो आ जाएगा तो पीछे हमने कहा था कि यदि शेषफल हमारा क्या होता है एक दो तीन होता है तो पावर में ये लिखना है, यदि जीरो आ जाता है तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं पावर में चार लिखते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, एट पर पावर चार कर दीजिए, गुना सात पर पावर चार और गुना छह पे पावर चार,
इसको यदि हल कीजिएगा तो 8 पे पावर 4 का क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। 7 का कीजिएगा तो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। 6 का तो आप कितना बार भी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, है ना। क्यों हमने सब पे पावर 4 कर दिया, क्योंकि जो भी फैक्टोरियल पावर में है वो 5 से अधिक है, तो 4 तक में ही कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। 1 का फैक्टोरियल का इकाई अंक 1, 2 का 2 और 3 का 6 और 4 का 4, बाकी सब में 0 हो जाता है, इसलिए हमने पावर में क्या कर दिया, 4। इसको गुना कीजिए तो 8 8 64 का 4, 4 8 32 का 2, 2 8 16 का 6, फिर 6 7 42 का 2, 2 7 14 का 4, 4 7 28 का 8, 8 7 56 का 6, फिर 6 6 36 का कितना, 6। यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका दूसरा भी नियम है बनाने का, जो इससे शॉर्ट है, हम यहाँ पावर में 4 नहीं करेंगे तब हमको कैसे ध्यान में रहेगा, है ना। तो जब देखिए पावर में आपका फैक्टोरियल दिया रहे, क्या रहे, पावर में फैक्टोरियल रहे, पावर में फैक्टोरियल दिया रहे, उसके लिए ये नियम है ना, दिया रहे जब पावर में फैक्टोरियल दिया रहे तब हम क्या करेंगे, तो तब आपको क्या करना है, पहला नियम देखना है कि यहां पर इकाई अंक में, इसमें इस सब में इकाई अंक में जो है क्या क्या, 0 या 1 या 5 या 6 है। यदि ये है तो क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज हमने पहले भी करा है। आपने यदि हमारा पहला वाला वीडियो, पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको लिंक में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लीजिए, है ना। नो चेंज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जैसे हमारा देखिए 6 था ना, तो हमने क्या कहा, बस 6 लिख दीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए, तो 6 में क्या होता है, 6 को कितनी बार भी गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, 1 में उतना ही आएगा, 5 में भी 5 ही आएगा, 0 में भी 0 ही आ जाएगा। तो ये यदि रहेगा पावर में कुछ भी रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, बस वही वाला अंक को यहाँ पे लिख देना है। लेकिन जब इसके अलावे यहाँ पर कोई दूसरा अंक हो, देखिए यहाँ तो 6 मिला तो 6 लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तब हम क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है इकाई पर क्या है, इकाई पर सम है या विषम, इकाई पर यदि सम है, है ना, और इकाई पर क्या है, विषम है, ये दो चीज ध्यान रखना है कि सम है आपका इकाई पर कि विषम है। यदि आपका इकाई अंक पे यहां पर सम संख्या है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है यहां पर 6, यहां पे हम लिख देते 6, और यदि विषम है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, बस यही वाला आप ध्यान रखिएगा तो आपका सवाल जल्दी से बन जाएगा। जैसे देखिए इसे यदि हमें बनाना होता तो हम बस इस नियम को फॉलो करके बना सकते हैं, यहां पर फैक्टोरियल है पावर में, ठीक, तो क्या है इकाई अंक, 8, 8 कौन सा संख्या, सम संख्या, तो बस हम लिख देंगे इसके लिए डायरेक्ट लिख देंगे 6 गुना। दूसरा वाला क्या है, 7 है इकाई अंक, है ना, तो कौन सा हो गया, विषम, पावर में फैक्टोरियल है तब ये काम करेगा, विषम है तो हमको क्या लिख देना है, गुना में 1 लिख देते हैं, इसके लिए बस टोटल के लिए हो गया 1, और गुना 6 में तो क्या होता है, नो चेंज, यानी 6 है तो बस लिख दीजिए 6, तो 6 6 36 का 6, यानी आंसर आ जाएगा इकाई पर 6। ये नियम यदि ध्यान में रखेंगे ना तो आपका देखिए इतना आसान है, जल्दी से बन जाएगा। पावर में फैक्टोरियल दिया रहे तो 0 1 5 6, ये तो हमेशा पहले भी चेंज नहीं होता था, नो चेंज, और जब इकाई पर सम रहेगा, यहां पर देखिए सम है ना, तो सम है तो क्या लिख देना है, 6 लिख दिया हमने, और जब इकाई पर विषम है तब हम क्या लिखेंगे, उसके लिए 1 लिखेंगे, बस बन जाएगा आपका सवाल। जैसे अभी आपको हम एक सवाल देते हैं, इसे आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसे आप लिख लीजिए फिर हम देते हैं। चलिए 8 नंबर सवाल है आपका, 123 पे पावर 73 है, 123 पर पावर 73,
है ना, गुना 318 पर पावर 64। अच्छा ये फैक्टोरियल हमने छोड़ दिया, तो चलिए ऐसे लगा देते हैं, फैक्टोरियल ऐसे लगा देते हैं, ये फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल में है पावर जो है हमारा, फैक्टोरियल में माइनस 319 पर पावर है फैक्टोरियल में 53 का इकाई अंक क्या होगा? इस सवाल को इस नियम से बनाइए, जल्दी बन जाएगा। चलिए करते हैं, यहां पर देखिए, यहां आपको ध्यान देना है, सब में फैक्टोरियल है ना, पावर में क्या काम है, जब पावर में फैक्टोरियल दिया है, फैक्टोरियल है, यहां पर तीन है ना इकाई अंक, तो तीन कौन सा, विषम संख्या, कहा हमने इकाई पर विषम हो तो आप उसके लिए क्या लिख दीजिए, एक लिख दीजिए, ये नहीं होना चाहिए केवल, ये चार होगा तो वही रख देंगे, है ना, इसमें तो है 0, 1, 5, 6, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सब में अलग अलग, गुना 8 है इकाई अंक पर, तो क्या हो जाएगा, सम होना है ना, 8 है सम, तो सम होने पर क्या करना है, 6 कर देना है गुना, ठीक, घटा 9 है, तो 9 बताइए पावर में है तो क्या हो गया, विषम संख्या है 9, तो 9 है पावर में, तो इकाई अंक यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस इसको हल कर दीजिए, अब 1 × 6 = 6 घटाओ 1 बराबर आंसर क्या आ जाएगा, 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको यहां पर हम देते हैं, तब तक इसे लिख भी लीजिए, कोशिश कीजिए इसे बनाने का, 11 × 1 × 12 × 2 फिर है 13 × 3 फिर है 14 × 4 है ना, × 15 × 5 उधर नहीं हटेगा तो हम इधर लिख रहे हैं इंटू 16 × 5 में इकाई का अंक क्या होगा, बताइए, ये मौखिक सवाल है, इसको आपको बनाने की जो है आवश्यकता नहीं है, आप केवल देखकर इसका आंसर दीजिए जो हमने अभी लिखा है। देखिए बताते हैं, हमने क्या कहा था, जैसे ही आपको 5 दिखे, क्या दिखे, 5 दिखे, और 5 के साथ में दिख कोई भी आपको सम संख्या दिख जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0 इकाई अंक पर, है ना, देखिए 5 को यदि 2 से गुना करेंगे 5 × 2 = 10 = 0, 5 को 4 से गुना करेंगे 5 × 20 = 0, 5 को 6 से गुना करेंगे 5 × 30 = 0, 5 को 8 से गुना करेंगे 5 × 48 = 0, इसमें आपको देखिए कहीं पर मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है, यहां पर देखिए 2 और यहां पर देखिए 5 मिल रहा है ना, 4 भी मिल रहा है, तो एक बार जब 2 × 5 = 10 हो गया 0 आ जाएगा, तो हमेशा इकाई अंक इसका हमारा क्या रह जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, तो बस इस सवाल को देखकर बनाना था, 2 और 5 आपका पावर में मिले या बिना पावर का मिले, बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 × 5 भी मिलता तो 0, 8 × 5 भी मिलता तो 0, 6 × 5 भी मिलता तो 0, गुना में। चलिए आज केवल एक और सवाल करते हैं, इसका वीडियो हमारा और भी लग रहा है आगे जाएगा, है ना, तो नेक्स्ट डे इसके आगे का क्लास और करेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, है ना, जिससे उनको भी ये लाभ मिलेगा, और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको जैसे ही हमारा वीडियो डला जाएगा। चलिए लास्ट हम आज का सवाल करते हैं, नंबर 10,
जैसे यहाँ पर सवाल है आपका है ना 81 × 82 × 83 × 84 × 85 × …89 का इकाई अंक क्या आएगा बताइए जरा। अभी हमने जस्ट बताया है, तो यहाँ पे आप तुरंत समझ सकते हैं ना, इसमें हमारा 2 और 5 दिख रहा है हमको। देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर 5, जब एक बार 2 × 5 = 10 हो गया ना 0, तो ये हमेशा इकाई पर हमारा 0 रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की जो है क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।